हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे LLB 6 सेमेस्टर का सेकंड क्वेश्चन पेपर, लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग इंक्लूडिंग प्रोफिशिएंसी इन जनरल इंग्लिश। ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर तीन सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं जो सारे करने मैंडेटरी हैं। पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। आराधना सेड शी कुड कैरी ऑल द बुक्स। डायरेक्ट स्पीच, रीमा सेड आई ड्रोन द बाइक। इनडायरेक्ट स्पीच, हरी सेड ही वुड कम द नेक्स्ट डे। डायरेक्ट स्पीच फोर्थ है, आई हैवंट सीन प्रज्ञा। इनडायरेक्ट स्पीच। सेकेंड क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द स्टूडेंट रिग्रेटेड फ्रॉम हिज बिहेवियर। बींग अ रेनी डे आई कुड नॉट वॉक टू कॉलेज। थर्ड है, अ 50-year-old हैज ज्वाइंड आर यूनिवर्सिटी। फोर्थ है, शी इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फीवर। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। फर्स्ट है, मोहन चेंज द फ्लैट टायर, पैसिव वॉइस। सेकेंड है, अ मूवी इज गोइंग टू बी मैच्ड बाय अस टुनाइट, एक्टिव वॉइस। थर्ड है, ही लव्स मी, पैसिव वॉइस। फोर्थ है, द नोवल वॉज रीड बाय मॉम इन वन डे, एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट सिनोनिम्स। एक्यूटल, कन्फाइनमेंट, डैमेज, गिल्टी। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन। निम्नलिखित संक्षिप्ताक्षरों का पूर्ण रूप लिखिए। AIR, SCC, CRLJ, JT। अगला सेक्शन है सेक्शन बी। इसके अंदर 3 क्वेश्चन हैं जिनमें से हमें 2 करने मैंडेटरी हैं 10-10 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। अधोलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। 1, ऑडिट अल्ट्रम पार्टम। 2, नेमो जुडेक्स इन कोरासुआ। 7th क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। भ्रामक विज्ञापन के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। क्वेश्चन 8 है, एक्सप्लेन ऑबिटर डिक्टम, ऑइटर डिक्टम की व्याख्या कीजिए। सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर 5 क्वेश्चन से 20-20 मार्क्स के, जिनमें से 3 करने मैंडेटरी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट एन एसे ऑन एनी वन सब्जेक्ट। किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 1, जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, भारत में न्याय व्यवस्था। 2 है, चाइल्ड लेबर, बाल श्रम। 3 है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता संरक्षण। 4 है, राइट टू डाई, मृत्यु का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लीगल मैक्सिम्स। निम्नलिखित विधिक सूक्तियों की व्याख्या कीजिए। 1 है, फर्स्ट है, रेस नलियस। 2 है, लोकस स्टैंडी। 3 है, अल्ट्रा वायरस। 4 है, रिस्पोंडेंट सुपीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अधोलिखित का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। प्रतिनिहित दायित्व के सिद्धांत को दंड विधि में लागू करना आवश्यकता से नहीं किंतु समीचीनता से प्रेरित कहा जा सकता है। ऐसे दायित्व के सिद्धांत को दंड विधि में लागू करने की बुद्धिमत्ता पर संदेह और बढ़ जाता है, जबकि यह अनुभव किया जाता है कि ऐसा आपराधिक दायित्व थोपा जा सकता है भले ही अभियुक्त को अपराध के लिए जाने का कोई ज्ञान ना हो अथवा उसको निवारित करने का भरपूर उपाय भी किया हो। व्यक्ति को अपने अधीनस्थ सेवक तथा अभिकर्ता के किए गए अपराध के लिए उचित रूप से दंडित हुआ कहा जाता है, क्योंकि ऐसे दंड की धमकी से वह तथा अन्य व्यक्ति अपने अधीनस्थ सेवक तथा अभिकर्ता पर देखरेख करने को प्रेरित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू हिंदी। अधोलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इन एंशियंट पीरियड वी नो ओनली क्राइम्स अराइजिंग आउट ऑफ ग्रीड, गोल्ड, लस्ट, वुमेन एंड लैंड, बट नाउ सच क्राइम्स हैव बीन रेलिगेटेड टू द कैटेगरी ऑफ ट्रेडिशनल क्राइम्स। इन मॉडर्न एज न्यूएस्ट क्राइम्स हैव अपीयर्ड। दीज क्राइम्स आर कमिटेड बाई पर्सन्स बिलोंगिंग टू द हायर सोशल स्टेटस बाय बेगुलिंग पीपल, प्रैक्टिसिंग फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, बाय अडोप्टिंग अदर नोन और अननोन वेज टू अ मास मनी बाय फेयर और फाउल मीन्स। सच न्यूज क्राइम्स आर टर्म्ड व्हाइट कॉलर क्राइम्स। लास्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन। राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। वन कांट एग्जिस्ट
without the other. Duties without rights are mere slavery. Similarly, right without duties amount to lawlessness. In any civilized society, rights and duties must go side by side. But in today's world, everybody talks much about his rights. There is a great hue and cry if our rights are infringed. But nobody seems to bother much about his duties. That is why there is a great unrest in our present day life. Actually, duties come first, the rights afterwards. First hai, why there great unrest in our present day life? Second hai, what do you think comes first, rights or duties? Third hai, give one example to show that one man's right, another man's duty.